हर तरफ महंगाई ही महंगाई, गरीब आदमी का जीना आजाद। मुर्गी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ब्रायलर गोश्त 393 रुपए किलो हो गया। सब्जियां और फल भी आम शहरी की पहुंच से दूर। मार्केट से सरकारी नेख नामे गायब। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। लहसुन 235, अदरक 180, शिमला मिर्च 117 रुपए किलो फरोख्त। सेब 235, अनार 240, अमरूद 88 रुपए किलो, केला 115, मौसमी 135, किन्नू 205 रुपए दर्जन फरोख्त। 5 to 6 मंथ्स हो गए इन्होंने ये सीवरेज का जो है वो निज़ाम हमारे लिए बहुत बेहतर किया, और कितना बेहतर है ये आप देख रहे हैं। अभी आप गाड़ी गुजरी तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, तो 100 बीमारी है, 100 चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे बारिश हो जाए आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। आम आदमी को पानी देने को तैयार नहीं है। आम आदमी अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पानी की बोतलों के साथ खड़ा है। आपको दिखा रहे हैं कि ये पानी की बोतलें खाली हैं। टाउनशिप के मकीनों के लिए तरक्याती काम वबाले जान बन गए। सीवरेज सिस्टम के लिए खोदी गई सड़कें और गलियां बहाल ना हो सकें। धूल मट्टी ने रिहायशियों का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। नवाबपुर इशरा के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्यासे शहरी मुतालिबात के लिए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है पानी खरीद कर पीते हैं, ऊपर से वासा के बिल भी अदा कर रहे हैं। आवान चौक बाबा फरीद कॉलोनी का भी बुरा हाल। सीवरेज सिस्टम ठीक ना, सड़कें, तरक्याती काम मुकम्मल ना होने से रिहायशियों को दुश्वारी का सामना। अकरम पार्क सांदा के रिहायशी भी गैस पानी की अदम फराहमी पर सराफा एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाजी धरना 7वें रोज में जारी। पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है 7000 घरों के चूल्हे ठंडे करने वाला 2013 का नोटिफिकेशन मंसूख होने तक धरना जारी रखेंगे। याद दहानी के नोटिस के बावजूद टैक्स नेट में शामिल ना होने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर के 8 सिनेमास को जबरन टैक्स नेट में शामिल कर दिया। पीआरए ने सिनेमा घरों को कंपलसरी रजिस्टर करके मालिकान को नोटिसेस जारी कर दिए। विफाकी टैक्स मोहतसिब का कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए तारीखी फैसला। एफबीआर को सालाना 6 लाख से कम उजरत पर टैक्स कटौती से रोक दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। विफाकी टैक्स मोहतसिब के फैसले से मुल्क भर के लाखों आर्जी मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। लाहौर बोर्ड के तहत पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का इम्तिहान। 31,500 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद इकबाल बुखारी, चेयरमैन डॉक्टर मिर्जा हबीब का इम्तिहानी मराकज का दौरा। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेन मार्केट टाउनशिप में जाली उम्मीदवार इम्तिहान देते पकड़ा गया। लाहौर बोर्ड ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सऊदी अरब की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ही उमरा कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने 8 मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को उमरा की इजाजत दे दी। मंजूर शुदा वैक्सीन की फहरिस्त और नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी। सऊदी अरब जाने वाले जायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन के मुकम्मल डोज लगवाना लाजिम करार। कोरोना PCR टेस्ट की शर्त खत्म। वजीर आला उस्मान बुजदार से अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी। अब्दुलरहमान, आदिल परवेज गुजर, गुलरेज अफजल, उमर फारूक, राना शहबाज अहमद ने मुलाकात की। उस्मान बुजदार का कहना है कि ऑपोजिशन प्रोपोगेंडा करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर आगा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, बहमी तआवुन पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने मुल्की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की खुशहाली को लाजमी करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद के लिए पूरी अपोजिशन यकसू है। कौम को इमरान न्याजी से जल्द छुटकारा मिलेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुक्मरानों का झूठ बेनकाब हो चुका, अंजाम करीब है। 50 लाख घर समेत दीगर झूठ आवाम के सामने आ चुके। हमजा शहबाज की जामिया नईमी आमद, डॉक्टर सरफराज नईमी के उर्स पर मुनाकिदा सेमिनार में शिरकत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शादबाग में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। कारकुनों ने अलामा साद हुसैन रिजवी का भरपूर इस्तकबाल किया। शुरका का नामों से रिसालत पर तन मन धन कुर्बान करने का आज़्म। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PUJ का प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप।
पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल और लीगी रुकन सूबाई असम्बली मियाँ मरगूब अहमद की शिरकत। एहतजाजी कैंप में वकला और सहाफियों की कसीर तादाद शरीक। चेयरमैन एफ बी आर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर नोमान कबीर मियाँ रहमान अजीज चंद और हारिस अतीक ने टैक्स मामलात पर मुतअद्दिद तजावीज दी। चेयरमैन एफ बी आर का कहना है फेटफ ऑब्जर्वेशन में है, सबकी हम पर नजर है। फेडरेशन चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम के वालिद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी। चेयरमैन फेडरेशन मैनेजमेंट कमेटी इरफान इकबाल शेख मियांजुम निसार नदीम कुरेशी एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान की शिरकत। ताजी रहनुमा बाऊ मोहम्मद बशीर अदनान भट्ट मुजाहिद मकसूद भट्ट क्रिकेटर वहाब रियाज जिशान सुहेल मलिक अलामा मकसूद रिजवी ने भी शिरकत की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात सदर जनरल सेक्रेटरी समेत 11 नशिस्तों पर शाहीन ग्रुप के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर इंतखाबात शाहीन ग्रुप के फसीउद्दीन 118 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इंकलाब ग्रुप ने इलेक्शन के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। गवर्नर हाउस से चेयरिंग क्रॉस तक विमेन साइक्लोथन 2022 रैली बेगम परवीन सरवर उजमा कारदार समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में GCU लाहौर यूनिवर्सिटी समेत दीगर कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। उधर खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से साइकिल रैली कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की शिरकत। कमिश्नर लाहौर ने रैली में शिरकत की वीडियोज और तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। सेंट्रल पंजाब PCB इंटर स्कूल 2000 क्रिकेट चैंपियनशिप पहले मैच में एसीसन स्कूल और दार अरकम की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है ये टूर्नामेंट उनके मुस्तकबिल के लिए अहम है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी क्रिकेट टूर्नामेंट सेफ सिटी स्टाफ कम्युनिकेशन अफसरान की 60 टीमों ने हिस्सा लिया। खवातीन पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान के माबेन भी क्रिकेट मैच हुआ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान की खसूसी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर GOR 1 में फन फेयर बेगम चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर की अहलिया ने इफ्तिताह किया। फन फेयर में रेडीमेड गारमेंट्स ज्वेलरी और डेकोरेशन समेत मुख्तलिफ अकसाम के स्टॉल लगाए गए। बेगम चीफ सेक्रेटरी सादिया अफजल का कहना है फन फेयर में तमाम शहरों की सकाफत को उजागर किया गया। मिसिस कमिश्नर हिना उस्मान कहती हैं पहली मरतबा फन फेयर के इनेकाद से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।